नमस्कार दोस्तों, इजी नौकरी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आरआरबी एलपी सीबीटी 2 का रिज़ल्ट कैंसिल कर दिया है, यानी कि जो आरआरबी है, जो रेलवे बोर्ड है, वो दोबारा से सीबीटी 2 का रिज़ल्ट डिक्लेयर करेगी। तो फ्रेंड्स, आप सबको तो पता ही पड़ गया होगा इसमें क्या है, फिर भी मैं बता देता हूँ उसमें क्या क्या चीज़ इन्होंने कही गई है। फ्रेंड्स, जैसे इन्होंने किसी चीज़ पर पारदर्शिता जो बढ़ती है, जैसे क्वेश्चन पेपर हो गया, किसी के जो नंबर ऑफ इग्नोर क्वेश्चन थे वो फाइनल आंसर की में कम कर दिए थे, किसी के ज़्यादा थे वो कम कर दिए थे, तो ऐसा किया गया था। और फ्रेंड, किसी के नंबर कम थे वो पास हो गया था, किसी के नंबर एक्यूरेट थे, सही थे, वो फेल हो गया था। तो फ्रेंड, इसी पास फेल के चक्कर में आरआरबी ने अपना जो रिज़ल्ट कैंसिल कर दिया है और फ्रेंड नए सिरे से रिज़ल्ट बनाएगा। और फ्रेंड्स, ये उनके लिए रिज़ल्ट काफ़ी बेहतर होगा जो पहले फेल हो गए हैं अब, ठीक है। और फ्रेंड, इसमें जो रेलवे बोर्ड है, जो पहले से पास बच्चे हैं, ये तो मानना आपको पड़ेगा, जो पहले से पास हो चुके हैं, जो सीबीटी 2 का भी जो रिजल्ट निकाला था उसमें जो बच्चे पास हैं, तो उसमें जो बच्चे पास हैं वो पास ही रहेंगे, ये नहीं कि रेलवे बोर्ड उन्हें फेल कर देगा। लेकिन अब जो लेगा, जो फेल बच्चे हैं, जो बॉटम पे जो पास जो फेल हुए थे, अब उनकी एक उम्मीद जगी है पास होने की, यानी कि नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा और सबको बराबर मार्क्स दिए जाएंगे और सबको पास किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, यही एक अहम महत्वपूर्ण सूचना है, इसके बारे में और कुछ नहीं है। तो वो खुश हो जाएं जो फेल हो गए थे बॉटम पे, अब उनके चांसेस बढ़ गए हैं पास होने के। तो फ्रेंड्स, ये एक अच्छी खबर थी। आपने नोटिफिकेशन तो पढ़ लिया होगा, 2-3 दिन 3-4 दिन जो भी हो गए टाइम हो गया इसे, ठीक है। मैं ये बता दूँ, इसमें जो पास थे उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो पास ही रहेंगे, जैसा कि सीबीटी 1 में हुआ था ऐसे ही सीबीटी 2 होगा। जो पास है स्टूडेंट वो फेल मुश्किल ही होंगे ही नहीं, जो फेल है उनकी एक उम्मीद जगी है नॉर्मलाइजेशन मार्क्स बढ़ने की, ठीक है। तो फ्रेंड, ये वीडियो बनाने का मेरा यही कारण था कि आपको बताऊं कि इसमें कितनी उम्मीद है। तो फ्रेंड, 99% जो बॉटम पे जो फेल हुए हैं उनकी उम्मीद बहुत ज़्यादा है पास होने की। और फ्रेंड, जो बॉटम पे जो पास हैं, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आप साइको की तैयारी करें, साइको मई माह में हो सकता है, ठीक है, ये आसार नज़र आ रहे हैं। तो फ्रेंड, कैसी लगी।